तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आपने मुझे दोस्तों अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम है आशीष डॉगवेल और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हूँ। तो दोस्तों आज मैं बाहर नहीं जा पाया दोस्तों डॉग्स की वीडियो बनाने, तो इसलिए सोचा दोस्तों कि आज मेरे घर के डॉग्स ही आपको दिखा दूँ। और दोस्तों जब आप जर्मन शेपर्ड लेते हो तो घर में बालों की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है दोस्तों, बाल इधर उधर झड़ते रहते हैं, तो उसका उपाय क्या है दोस्तों ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जब आप जर्मन शेपर्ड लेते हो दोस्तों तो बाल तो इधर उधर झड़ते ही रहते हैं, क्योंकि साल में दो बार ब्रीडिंग होती है अपने डॉग्स की। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मैं मोटिवेट होता हूँ दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखा करो दोस्तों। चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो ये मेरे जर्मन शेपर्ड है, ये जिमी है यानी मिसी है, और आपको मैं बाल दिखाऊंगा दोस्तों, जैसे कि घर में झड़ते रहते हैं। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो बाल ऐसे झड़ते निकलते रहते हैं, रोज मैं झाड़ू वगैरह लगाता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये देखो दोस्तों इधर उधर बाल झड़ते रहते हैं, क्योंकि ये शेडिंग करते हैं साल में दो बार। ये देख सकते हो ये काफी, ये देखो इतने सारे बाल निकलते रहते हैं दोस्तों। और तो इसका उपाय क्या है दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और तो वीडियो में बने रहो दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये देख सकते हो जब आपके घर में बाल झड़ते हैं दोस्तों तो उसका उपाय एक ही है दोस्तों। ये देख सकते हो ये मार्केट में मिल जाता है, ये ब्रश है दोस्तों इसका, और इसके जो ये अभी इसका ब्लेड निकाल लेते हैं हम। तो आप रोज अपने डॉग्स को ग्रूमिंग कर सकते हो दोस्तों, इसके जो वेस्टेज बाल होते हैं वो पूरे निकल जाते हैं। ये देख सकते हो ये बाल झड़ रही है, ये बाल देख सकते हो दोस्तों ये बाल झड़ रहे हैं अभी, और ये प्रेग्नेंट है दोस्तों मेरी फीमेल, इसके कारण भी इसके बाल ज्यादा निकल रहे हैं। ये देख सकते हो आप, सवेरे और शाम दोनों टाइम आप ग्रूमिंग कर सकते हो दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों आपके घर में जो इसके बाल है वो झड़ेंगे नहीं। ये देख सकते हो ये जो खराब बाल है ये निकल जाते इधर। और जो बालों के अंदर गुठली वगैरह बनती है दोस्तों वो नहीं बनेगी अगर आप रोज डेली ग्रूमिंग करते हो अपने डॉग को। ये पहले अपन जिमी का करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है वो मिसी का करेंगे हम। और इसके कारण दोस्तों जब आप डेली ग्रूमिंग करते हो दोस्तों तो इसके बाल वगैरह शाइनी भी रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। और दोस्तों काफी आसानी से करने देते हैं, ये देख सकते हो आप, ये शांत रहती है एकदम, और इसको भी मजा आ रहा है दोस्तों मैं ग्रूमिंग कर रहा हूँ तो। और आपको बाल दिखाऊंगा दोस्तों जो इसके वेस्टेज बाल निकलेंगे। तो अपन ऐसे ग्रूमिंग करते रहे दोस्तों तो अपने घर में बिल्कुल बाल नहीं झड़ते हैं। अगर आप जर्मन शेपर्ड लेते हो दोस्तों तो इतनी थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी आपको। ये देख सकते हो ये जो इसके वेस्टेज बाल है दोस्तों वो यहाँ पे निकल जाते हैं। ये देख सकते हो आप ये बाल, इसको और करना है दोस्तों। ये देख सकते हो इसको मजा आ रहा है, ये प्रेग्नेंट है दोस्तों अभी, और आने वाली 20 तारीख को इसके पप्पी वगैरह हो जाएंगे। इसको मजा आता है दोस्तों काफी। तो ये मैं जब ये निकालता हूँ इसकी कंगी तो वो खुद ब खुद मेरे पास आगे बैठ जाती है दोस्तों चुपचाप। ये देख सकते हो ये एकदम शांत है, ये देखो। और इसके नीचे वाले बाल भी देख सकते हो दोस्तों, ये देखो ये अभी झड़ाना चालू कर दी इसने क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। कोई कोई लोग काटते भी है दोस्तों बाल, जो नीचे के बाल होते हैं वो लोग काटते भी है कोई कोई लोग, बट नहीं भी काटे दोस्तों तो भी ये अपने आप झड़ जाते हैं बाल नीचे के, काफी आसानी से करने देती है दोस्तों ये ग्रूमिंग। और वो जीवी भी काफी आसानी से करने देती है दोस्तों। इसके उतने बाल नहीं झड़ते, पर वो जो मेरी जर्मन शेपर्ड दूसरी है दोस्तों इसकी डॉटर, तो उसके बाल जल्दी जल्दी झड़ते हैं और इससे उसका कोट भी ज्यादा है। वो अभी फुल शेडिंग पे है दोस्तों मिसी, अभी उसके नए बाल आएंगे। ये देख सकते हो
और दोस्तों मैं काफी रीजनेबल प्राइस में देता हूँ पप्पी, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम हाई रेट में देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ही जगह खड़ी है, मुझे कुछ करना है यानी कि ऐसा नहीं बोलना पड़ रहा है कि नहीं यहाँ पे रुक वहाँ पे रुक, वो एक ही जगह खड़ी है। और इसको भी मजा आ रहा है दोस्तों जब मैं ग्रूमिंग करता हूँ तो जो खुजी उज्जी रहती है उसकी वो सब निकल जाती है। और ये देख सकते हो दोस्तों इसके जो वेस्टेज वाले बाल है, ये देखो इतने सारे बाल निकल गए दोस्तों, अगर अपन कंघी नहीं करते उसको तो ये पूरा अपने घर के अंदर चढ़ जाते। ये देख सकते हो ये पूरे निकल गए। अभी दूसरे डॉग्स की बारी है दोस्तों, उसको लेके आता हूँ। अगर दोस्तों आप इस ब्रश से नहीं करना चाहते हो तो ये ऑनलाइन भी मिलता है दोस्तों, या इसे हाथ में डाल लेने का एंड अपने जो मेल या फीमेल तुम्हारे पास है उसके ऊपर से ऐसे घुमाने का, मैं आपको बताऊंगा। जिमी मिसी कम, ये देख सकते हो दोस्तों ऐसे अगर आपने घुमाए तो वो पूरे बाल निकल जाते हैं, जो वेस्टेज है वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, ये देख सकते हो। इसकी तो अभी हमने ग्रूमिंग की है दोस्तों, तो इसके कारण बाल नहीं निकल रहे, अभी वो मिसी के करेंगे काम, तो देखना अपने डॉग्स को अच्छा भी लगता है दोस्तों और अपना काम भी हो जाता है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो बाल भी निकलते थे इसे, तो इसकी करेंगे दोस्तों, इसके काफी बाल निकलते हैं सकते हो। एकदम शांत है दोस्तों, थोड़ी अग्रेसिव है देख सकते हो, एंगुलेशन में वगैरह पूरा है दोस्तों, वो भुक रही है जीभ बाहर, इसके ऊपर अपना रोट दिखाते रहिए दोस्तों वो जीभ, इसके काफी बाल निकलते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप, इसके ज्यादा बाल काटे हैं, इसके बाल देख सकते हो दोस्तों बहुत झड़ते हैं, इसके भी काफी बड़े बड़े बाल थे दोस्तों, ये नीचे वाले, ये अभी इसकी शेडिंग चालू है, इसकी भी हीट आएंगी 2 महीने में सेकंड वाली, तो तब इसकी मीटिंग लगाएंगे दोस्तों हम। ऐसे करने से दोस्तों आपके घर में बाल वगैरह नहीं झड़ते हैं, जो कुछ निकल जाते हैं ये इसमें निकल जाते हैं पूरे, जितने भी बाल जो वेस्ट है जितने भी डेड हेयर्स हैं दोस्तों वो इसमें सब निकल जाते हैं। इसको नए हेयर सारे हैं दोस्तों, अभी धीरे 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 आएंगे वो, 1-2 महीने में कवर कर लेंगे पूरे जो हेयर है इसके, ये देख सकते हो कितने काफी इसे हेयर निकलते हैं इसके, तो आप देख सकते हो ये जो इसके हेयर्स है ये पूरे जो डेड हेयर रहते हैं ये निकल जाते हैं ऐसे, ये देख सकते हो आप, ये देखो अगर अपन अगर इसको ग्रूमिंग नहीं करते दोस्तों तो ये पूरे बाल अपने घर में झड़ जाते, ये देख सकते हो कितने सारे एक टाइम में, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों इतने सारे बाल निकल गए। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, मैं शेयर करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया दोस्तों तो यहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है आशीष डॉगवन, और वहाँ पे भी दोस्तों मैं अच्छे अच्छे रील्स वगैरह डालते रहता हूँ दोस्तों डेली। और तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, वंदे मातरम।